हमेशा उन्हीं को हमने देखा, क्योंकि जब चौधरी चरण सिंह जी थे तो तब तो हम लोग छोटे थे, नहीं पता था। लेकिन हमने देखा कि अजीत सिंह ने जब भी किसान पर संकट आया तो हमेशा वो सामने खड़े हुए और ढाल की तरह खड़े हुए। चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पे अगर कोई तोड़फोड़ होती है और एक महिला के साथ में उनके नाम प्लेट के साथ ऐसी होती है और हम लोग फिर भी बैठे हैं घर में, तो ये हमारी बुजदिलता है। जिसने हमको जमीन दी, जिसने हमको अधिकार दिया, अगर हम उनके लिए नहीं लड़ सकते तो हम क्या कर सकते हैं। और बात इस सरकार की रही, सरकार कहती है माफिया को खत्म कर देंगे। हम कहते हैं आपके राज्य में मिल माफिया सबसे बड़े माफिया हैं, आप उन पर कार्रवाई करके दिखाइए। 5000 करोड़ रुपए आज भी किसानों का दबाए बैठे हैं। आप छोटे मोटे आदमियों को पकड़ के या किसी राजनीतिक आदमी को या विधायक को नेता को पकड़कर कहते हैं कि हम माफिया तंत्र को खत्म कर देंगे। अरे माफिया तंत्र तो आपने पकड़ लिए, पूंजी वाले जब इनको वोट की जरूरत होती है तो ये किसान और मजदूर याद आता है, और जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो इनको वो लोग याद आते हैं जो इनको चंदा देने का काम करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है इनकी कि इतने बड़े माफिया जो किसान और मजदूर का इतने करोड़ रुपए दबाए बैठा है और उसको कुछ भी कार्रवाई करने का काम नहीं करते हैं। यहाँ पर जो बात है जिसके लिए मुद्दा आज ये है पंचायत का, वो चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का है और एक महिला के सम्मान की बात है। तो गठबंधन के जो भी नेता हैं, जो भी फैसला लेंगे, हम लोग उनके साथ में हैं। और प्रशासन ने अगर जल्द कोई फैसला नहीं किया तो सभी लोग आगे उस चौराहे पे होंगे, नेशनल हाईवे पे होंगे। ये प्रशासन के लिए चेतावनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।